नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में एनसीबी के द्वारा की जा रही जांच में बीते बुधवार को बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह को समन भेज दिया गया, जिसे लेकर अब बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया। कंगना रनौत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बॉलीवुड माफिया पहली बार मना रहा होगा कि काश सुशांत मारा नहीं गया होता। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार बॉलीवुड माफियाओं को लग रहा होगा कि काश सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ना हुई होती और कंगना रनौत को इतना परेशान ना किया गया होता। पहली बार ये लोग अपने गंदे व्यवहार, निर्दयता और खामोशी पर दुखी होंगे। पहली बार ये सोच रहे होंगे कि वक्त को पीछे लेकर जा पाते। तो देखा आपने, कंगना ने एक बार फिर बॉलीवुड समेत इंस्टास पर निशाना साधा। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कई स्टार्स को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसे मारा गया। कंगना रनौत कई महीनों से सुर्खियों में रही। इसी विवाद के दौरान उनका आमना सामना शिवसेना से भी हो चुका है। मुंबई पुलिस और मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधा था। वहीं बीएमसी ने कंगना रनौत को उनके दफ्तर में हुए कथित रूप से अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस के एक दिन के भीतर ही कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था। हालांकि फिलहाल कंगना अपने घर मनाली में है और वो अभी भी बॉलीवुड पर लगातार बयानबाजी कर रही। बताते चले कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान समेत कई एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी के अधिकारी ने बताया है कि दीपिका पादुकोण को शुक्रवार को बुलाया गया। इसके अलावा एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर, जबकि रकुल प्रीत सिंह, श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खंबाटा को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा है।